हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरोक्स XT टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खून की कमी और जो भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने के कारण महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलते हैं, काफ़ी तरीके की समस्या होने लगती हैं, तो उन सभी कंडीशनों में फेरोक्स XT या फॉलिक एसिड या फेरोस एस्कॉर्बेट के कॉम्बिनेशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं फेरोक्स XT टैबलेट के बारे में। इसमें जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का क्या काम है, कौन कौन से पर्पज़ों में यूज़ किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसे नहीं लेना है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं फेरोक्स XT टैबलेट, जो कि 10 टैबलेट की पैकिंग होती है, 100 रुपये की प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है। माइक्रोलैब्स कंपनी की बनाई हुई यह मेडिसिन है। अब बात करते हैं फेरोक्स XT टैबलेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है फेरस एस्कॉर्बेट और दूसरा कॉम्बिनेशन है फॉलिक एसिड। अब बात करते हैं इन दोनों ही कॉम्बिनेशनों का क्या काम है। तो फेरस एस्कॉर्बेट, जो कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ी डिसऑर्डरों में इस्तेमाल किया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो उन सभी कंडीशनों में इसे इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी वजह से एनीमिया की समस्या हो जाती है, या ब्लीडिंग की वजह से, या किडनी पेशेंट होते हैं तो उन सभी कंडीशनों में एनीमिया की समस्या हो जाती है, तो उन सभी कंडीशनों में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो इसमें अगला कॉम्बिनेशन है फॉलिक एसिड, जिसे फोलेट भी कहा जाता है और विटामिन B9 भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, RBC काउंट को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्स को डिवीज़न और फॉर्मेशन करने में काफ़ी मददगार होता है, बॉडी में से टॉक्सिसिटी को निकालता है, इसके अलावा स्किन को हेल्दी बनाते हैं, इसके साथ ही साथ मांसपेशी में कमजोरी या शरीर में कमजोरी होता है तो उन सभी कंडीशनों में काफ़ी फायदेमंद होता है। अल्जाइमर जैसी समस्या होती हैं, डिप्रेशन जैसी समस्या होती है, नर्वस सिस्टम में समस्या होता है तो उन सभी कंडीशनों में फॉलिक एसिड काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दिया जाता है, जिसमें जो भी गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनके यह ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में काफ़ी मददगार होता है, स्पाइन को अच्छे से डेवलप करने में काफ़ी फायदेमंद होता है फॉलिक एसिड। इसके साथ ही साथ मेंस की बात करें तो जो अल्कोहलिक मेन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनमें फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है तो उन सभी कंडीशनों में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इन सभी कंडीशनों में इसे इस्तेमाल करते हैं, इनके यह फायदे होते हैं। अब बात करते हैं फेरोक्स XT टैबलेट का क्या डोज है। तो डोज डिपेंड करता है कि आपकी एज, हेल्थी कंडीशन, किस पर्पज में ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका डोज कंफर्म होता है। नॉर्मली इसे दिन में एक बार रात को सोते वक्त गुनगुने पानी या ताजे पानी के साथ खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डोज का कंफर्मेशन डॉक्टर की देख रेख में करें, इस दवा को लेना है या नहीं लेना है, इन सभी बातों का ध्यान डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें, ऐसे किसी के बताए जाने पर आप इसे इस्तेमाल ना करें। बात करें क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो वॉमिटिंग, सर में दर्द, त्वचा में लालीपन, चेहरे पे सूजन आ जाना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, मुंह का सूखना, इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। किसे नहीं लेना है, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में कोई मेडिसिन चल रहा है तो उन सभी कंडीशनों में आप इसे इस्तेमाल ना करें। इसे प्रेग्नेंट लेडीज इस्तेमाल कर सकती हैं पर डॉक्टर के रेख देख के बाद। तो यही था फेरोक्स XT टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।